भाजपा के किसान मोर्चा ने आज देवभोग में विश्राम गृह से रैली निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपने तहसील कार्यालय पहुंचे। 6 मांगों को पूर्ण कराने राज्य सरकार को निर्देशित करने का ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में भाजपा के किसान मोर्चा ने भूपेश सरकार के 2.5 साल कार्यकाल को किसानों की समस्याओं का जिक्र किया है, जिसमें प्रदेश भर में अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों को सूखा ग्रस्त घोषित करना प्रमुख मांग है। इसके अलावा भाजपा के किसान मोर्चा के बैनर तले अघोषित बिजली कटौती, खाद का सही समय पर भंडारण, कालाबाजारी पर रोक लगाने, अस्थायी पंप कनेक्शन के लिए अनुमति, 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ करने जैसे 6 मांगों पर राज्य सरकार को निर्देशित करने राज्यपाल से निवेदन किया है। मामले को लेकर क्या कार्यक्रम था? जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने पूरे प्रदेश में क्षेत्र में बिजली कटौती, बिजली बिल की वृद्धि, क्षेत्र को अकाल ग्रस्त घोषित करना और किसानों को खाद उपलब्ध कराने जैसे प्रमुख विषयों को लेकर के पूरे प्रदेश भर में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था और उसी संबंध में आज हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं अनुभागीय अधिकारी को कि आज क्षेत्र का किसान। रैली के पूर्व संगठन प्रभारी राकेश यादव ने कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें पीएम मोदी के जन्मदिन पर पीएम आवास के हितग्राहियों से धन्यवाद पत्र लिखवाने और सेवा कार्य के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई। इस बैठक में देवभोग, गोहरापदर, झाखरपारा, मैनपुर के पदाधिकारी भाग लिए। जी के जन्मदिन आ रहा है, उसको लेकर क्या तैयारी चल रही है? उसमें हम लोगों ने 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा एवं समर्पण पर्व हम लोगों ने मनाने का निर्णय लिया है। 17 तारीख को हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर क्षेत्र में जिन जिन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, शौचालय मिला है और विभिन्न प्रकार के केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, उनके माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड, हम अपने यहाँ से गरियाबंद जिले से पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं और 25 तारीख को हम भाजपा किसान मोर्चा के इस धरना और ज्ञापन सौंपने में प्रमुख रूप से विधायक डमरूधर पुजारी, पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अनिल बेहरा, भाजुमो जिला अध्यक्ष योगीराज माखन, चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर मनीष सिन्हा, मंडल अध्यक्ष लुद्रास साहू, गुरु नारायण तिवारी, सनम मांझी, सीताराम यादव और युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सहित आयाम के कई कार्यकर्ता जुटे थे। गरियाबंद से जय विलास शर्मा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।